वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम प्ले के साथ में, और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं रियल कार फॉर सेल। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोग को याद होगा हम लोगों ने दो सुप्राएं बेची थी, बट हुआ क्या कि यार वो जो सुप्रा मैंने बेची थी उसके बाद मैं गेम सेव करना भूल गया था, जिसके चक्कर में ना हमारी तीनों की तीनों सुप्राएं अभी मेरे पास है। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में ना मैं अपने ऑफिस को फुल्ली अपग्रेड करने वाला हूँ, मतलब कि जितना हमारे पास एरिया अभी है ना उससे काफी बड़ा एरिया हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग काफी सारी गाड़ियों को इजीली रख सकते हैं। तो अभी जो ना सबसे पहले मेरे को ये दो सुप्रा तो बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम पैसा है। या तो क्या करो यार, हाँ बेच ही लेते हैं। चलो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अभी इस वाली सुप्रा को लेके अपने ऑफिस में, एंड अपने ऑफिस को सबसे पहले एक्सपेंड कर ले क्या। हाँ चलो सबसे पहले ना अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, एंड उसके बाद हम लोग सीधे अपनी सुप्रा को बेचने वाले हैं। फिलहाल इस वाली गाड़ी को मैं धो के ले आता हूँ एक बार फिर से, यार दोबारा करना पड़ता है ना, ये चीज मेरे को बहुत गंदी लगी है। वैसे अभी बीटा टेस्टिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है। खैर अभी हम आ चुके हैं वॉश स्टेशन में, जल्दी से ना इसको धो देते हैं। ओके फाइनली हमारी गाड़ी धुल चुकी है, तो अभी ना मैं जल्दी से इसको लेके चलता हूँ अपने ऑफिस की तरफ। भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वैसे ये वाली गाड़ी भी ले जाऊंगा मैं, तो जल्दी से ना अभी इस वाली गाड़ी को जल्दी से ऑफिस में रख के आते हैं। और मैं सोच रहा था यार दोबारा से मैंने टक्कर मार दी इसमें, ऐसा मेरे को नहीं करना है, बट मैं बार बार यार टक्कर मार दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ना हमारी गाड़ी में बहुत ज्यादा डेंट वेंट पड़ जा रहे हैं, और इसका प्राइस भी ना बहुत कम हो जाएगा इसके चक्कर में। चलो अभी जो है ना 11:45 हो रहा है, एंड सबसे पहले ना मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ, अपग्रेड कर लेते हैं अपने ऑफिस को, थोड़ा बहुत ना बड़ा सा ऑफिस बना देते हैं, जिससे हमारा ऑफिस काफी बढ़िया सा लगेगा, और अपने ऑफिस का थोड़ा डिजाइन भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं डेकोर करके। ओके तो यहाँ से होगा ना ऑफिस, एंड ये रहा हमारा साइन, तो ठीक ही है, ये चीज भी आउट डिजाइन ये चेंज करना है ना मेरे को। चलो तो आज रेड वाला लगा ही देते हैं, क्योंकि ये वाला मेरे को कब से पसंद था, बट मैंने ना ये वाला लगा रखा था जो कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, बट आज हम लोग लगाने वाले हैं ये वाला जो कि काफी प्यारा लगने वाला है। तो जल्दी से अभी जो है ना अपने ऑफिस को चेंज कर लेते हैं, एंड इसके बाद हमारा ऑफिस काफी प्यारा लगने वाला है। वैसे मेरे को ना सबसे पहले से यही वाला कलर पसंद था, बट मैंने यार ऐसे ही कर रखा है वो। फिलहाल फर्स्ट बदलो या ये ही ठीक है, वैसे तो वही ठीक लग रहा है, बट ये वाला रख लेते हैं, नहीं ये पुराना था यार। चलो यही वाला अच्छा है अभी के लिए, फिलहाल यही सही है। इन डिजाइन देख लेते हैं, इन डिजाइन में तो काफी अच्छा है वैसे, थोड़ा चेंज कर लेंगे इसको भी। रुको यार थोड़ा बहुत चेंज कर ही लेता हूँ मैं भी, इसको रख लेते हैं अभी के लिए। चलो अभी फॉल्स भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके तो वैसे ना फॉल्स पहले से ठीक है, तो मार्केट में देख लेते हैं एक बार, बाहर से मतलब बाहर साइड से भी काफी अच्छा दिख रहा है, सब कुछ मैंने पहले से ही लगा रखा है, तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो है ना हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर लेते हैं। अब एक्सपेंड कहाँ से करते हैं यार, मेरे को पता नहीं है, थोड़ा बहुत एरिया मेरे को एक्सपेंड करना था, वो हम लोग शायद से अपग्रेड से करेंगे। ओके अब समझ में आया मेरे को। और टो एरिया भी हम लोग खरीदने का ट्राई करते हैं, अगर इतने में हो पाता है। वैसे मेरे पास $22,000 है, ओ भाई 2,00,000 लग रहा है इसमें पूरा, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता यार, एक सेकेंड, मेरे को टो करने वाला एरिया खरीदना है, तो 2,500 में ना अभी जो है मैं टो स्लॉट खरीद लेता हूँ। तो फाइनली मैंने ना टो स्लॉट एक साइड का खरीद लिया है, अभी जो है ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सीधा अपनी गाड़ी को यहाँ पे टो करा लूंगा, जिससे कि हम लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा, मतलब हम लोग अपनी गाड़ी को बहुत इजीली बेच सकते हैं। फिलहाल ये वाली कार को मैं ना अभी जल्दी से सेल पे लगा देता हूँ, ताकि हम लोग अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर सके, क्योंकि मेरे पास अभी $20,000 है भाई, कुल 20,000, समझ रहे हो। तो इसको मैं अभी सेल पे लगा देता हूँ, कार फॉर सेल, एंड वैसे ना मेरे को बिल भी पे करना है, इसको भी करेंगे अभी, रुको एक सेकंड, पहले इसको लगा देते हैं, 50 का है, इसको कम से कम ना 85 का कर लेते हैं हम लोग, अगर बिक जाती है तो ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं बिकेगी, देख लेते हैं। रुको रुको एक सेकंड, मैंने इसका डैमेज नहीं देखा यार, भाई मेरे को देखना पड़ेगा, अबे टच हो जा, आज क्यों नहीं आ रहा, ओ सेल पे लग गई ना, चलो कोई बात नहीं। अभी ना यहाँ से ओ मेरे को बिल पे करना था, मैं फिर भूल गया, चलो सबसे पहले बिल पे कर देते हैं, वैसे एक कस्टमर भी आ चुका है, बिल पे कर लेते हैं। हम लोगों का बिल पता नहीं कितना आया होगा आज, वो $3,419, चलो इसको पे कर देते हैं अभी। ओके फाइनली मैंने बिल भी पे कर दिया है, और कस्टमर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ओ भाई ये तो एकदम इंडियन लुक लग रहा है भाई, देखो एक बार, अबे यार मूछे ऊँचे हैं इसकी दाढ़ी, बट नाक में पता नहीं क्या लगा पड़ा है यार, ऐसी नाक है क्या, चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से इससे बात कर लेते हैं, देखते हैं कितने की ले रहा है ये गाड़ी। ओ 80,
लिटरली गाइस पहला बंदा मेरे को ऐसा मिला जो कि मतलब ना बहुत ही इजीली इस वाली गाड़ी को मतलब खरीद ले रहा है। रुको, इसको जो है ना मैं अभी थोड़ा बहुत बार्गेन करके 83,000 करता हूँ। ओके, अब देखते हैं अगर ये दे पाता है इतने तो यार मजा आ जाए। ओ भाई लिटरली यार अपनी गाड़ी बिक चुकी है जो कि 85 कितने की थी यार, 83,000 डॉलर की थी भाई। काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया यार। अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से कार मार्केट में, क्योंकि वहां पे अपनी दो सुपराए हैं, तो जल्दी से निकलते हैं कार मार्केट में। ओके, फाइनली मैं आ चुका हूँ कार मार्केट में, एंड वो रही अपनी दो सुपरा। अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ यार हम लोग आज जो है ना येलो वाली बेचते हैं, क्योंकि यार मेरे ख्याल से ना जो ये ब्लू वाली है इसमें मैंने बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रखा है, तो इसको ना अभी बेचने का कोई फायदा नहीं है। और इसमें टायर देखो भाई क्या प्यारे से टायर है, इसको अभी बेच देता हूँ जो कि हमारी गोल्डन कलर है, बट बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है। इसको सबसे पहले मेरे को धोना पड़ेगा यार, चलो जल्दी से धोने के लिए ले चलते हैं इसको। अब यार इसी साइड था ना, देखो तो इस साइड से निकलते हैं इस बार, लेट्स गो। भाई इसमें कुछ भी नहीं है, एनओएस भी नहीं है, इसमें एनओएस ऐड कर दूँ क्या, क्या पता महंगी हो जाए यार, 90 तक बेच देंगे इसको। भाई ऐसे कस्टमर आए थे ना अभी, मजा आ गया यार वैसे कसम से। 99,000 डॉलर हो चुके हैं यार मेरे पास। वैसे यहाँ पे गाड़ी देख लेते हैं, क्या पता है कोई आ जाए यहाँ पे। मस्टैंग वस्टैंग तो मिलती नहीं है यार कभी। ओ ये हम लोग यार कंटेनर के पास है, मैं सोचू मिल क्यों नहीं रहा है। आगे देख लेते हैं टाच नेबर में कुछ हो, यहाँ पे भी यार कुछ अच्छा खासा मिलता नहीं है आजकल, पता नहीं क्यों। सामने एक गाड़ी दिख रही है जो कि, एक सेकेंड यार ये इसका कलर कुछ अलग टाइप का नहीं लग रहा है। रुको 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 रुको, इससे बात करके देख लेता हूँ मैं एक बार, ये ऑडी डबल आर जैसी नहीं लग रही, थोड़ा बहुत नहीं पुरानी है। ओके, है ऑडी, ऑडी B3 है, बट चलो अभी निकलते हैं इधर से। भाई ये गाड़ी वाला देख रहे हो यार, ये पता नहीं कैसे ट्रक वाले होते हैं। चलो अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, अगर मेरे को ना कहीं मस्टैंग मिल जाती है तो मैं उसको खरीद लूंगा। गाइस यार यहाँ पे एक भी सुपरा नहीं है। अभी ना वैसे रात हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ ना जल्दी से कंटेनर में निकलते हैं सोने के लिए, एंड उसके बाद सुबह के टाइम में हम लोग सीधे चलेंगे इस वाली गाड़ी को धोने के लिए, और उसके बाद इस वाली गाड़ी को बेचेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने ऑफिस को एक्सपेंड करने वाले हैं। इसके बाद हमारा ऑफिस काफी प्यारा लगने वाला है। रुक रुक जा भाई रुक जा, चलो अभी जल्दी से ना सो जाते हैं। अपना कंटेनर पता नहीं बार बार क्यों बंद हो जाता है, इसको बार बार खोलना पड़ता है क्या, पता नहीं यार। खैर सो जाते हैं अभी। ओके गाइस यार अभी जो है ना सुबह हो चुकी है, एंड अभी जल्दी से निकलता हूँ मैं भाई इस वाली गाड़ी को धोने के लिए, क्योंकि मेरे को इस वाली गाड़ी को धोना है, और उसके बाद ना हम लोग इस वाली गाड़ी को रिपेयर भी कराएंगे, क्योंकि शायद से ये गाड़ी थोड़ा बहुत डैमेज है। बट अभी मैं जा कहाँ को रहा हूँ मेरे को खुद पता नहीं। ओ यार मैं उल्टी जगह जा रहा हूँ, जल्दी से निकलते हैं इस साइड को। भाई मेरे को इस वाली गाड़ी को धोना है सबसे पहले, वॉश स्टेशन इधर ही था ना, पता नहीं यार मेरे को याद भी नहीं है। खैर निकलते हैं जल्दी से। यार ये गाड़ी वाले अभी बहुत ही धीरे क्यों चल रहे हैं, कभी कभी इतना तेज चलते हैं ना भाई, कहीं रुकेंगे भी नहीं, किसी को देखते भी नहीं है ये लोग, पता नहीं क्या लोग हैं। खैर अभी मैं आ चुका हूँ वॉश स्टेशन की तरफ, है ना, अभी इस वाली गाड़ी को जल्दी से धो लेते हैं, और उसके बाद देखना अपनी गाड़ी कितनी प्यारी लगने वाली है। इसमें एनओएस भी भरना था यार वैसे मेरे को। चलो जल्दी से ना अभी यार इस वाली गाड़ी को धुला देते हैं। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी धुल चुकी है, एंड देखो थोड़ा बहुत ना इसका गोल्डन कलर टाइप का दिखता है मेरे को, तो पता नहीं यार अब जैसा भी है क्या तुम लोग बता देना। वैसे देखो काफ़ी प्यारा कलर लगता है, बट जल्दी से ले चलते हैं। ओ रुको रुको रुको, इसमें एनओएस भी ऐड करना था ना, मैं भूल क्यों गया यार। चलो जल्दी से ना अभी एनओएस ऐड कर लेता हूँ इसमें। कहाँ से होता है यार, इधर से होता है ना, हाँ चलो जल्दी से करा लेते हैं इसमें एनओएस भी ऐड। और वैसे ना शायद से इस वाली गाड़ी में ना हमको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेता हूँ फिर भी। रुको भाई इसकी डिटेल कहाँ से चेक होंगी, ये रहा, और यहाँ पे देखो 16% डैमेज है, इसको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ना अभी जल्दी से यार इसमें थोड़ा बहुत मैं एनओएस ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि ना अपनी गाड़ी थोड़ा बहुत महंगी बिकेगी, मतलब प्रॉफिट अपना अच्छा खासा होना चाहिए भाई, तभी तो कुछ फ़ायदा है, नहीं तो फायदा ही क्या है। चलो एक जो है ना मैं इसमें एनओएस ऐड कर देता हूँ, बाकी टर्बो भी, रेसिंग किट भी ऐड कर लेते हैं, और क्या होता है यार ये ड्रिफ्ट किट। चलो अभी जो है ना मैंने सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है, बट मैं सोच रहा हूँ रेसिंग किट अभी मतलब रेसिंग किट के साथ चलते हैं। चलो अभी जो है ना जल्दी से निकलते हैं इधर से, एंड इस वाली गाड़ी को जल्दी से सेल पे लगाते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा। भाई नहीं यार अभी मैंने सोचा डैमेज हो जाएगी, बट नहीं हुई, क्या प्यारी सी थी यार। वैसे अपनी ये वाली जो गाड़ी है ना ये थोड़ा बहुत सुपरा जैसी है, बट अभी बहुत गंदी हो चुकी है भाई, मैंने रेड बना रखा था, पता नहीं क्या बना रखा था, इसका कलर देखो यार इस बार। चलो जल्दी निकलते हैं, एंड अपने ऑफिस में इस वाली गाड़ी को लगा देते हैं। ये देखो भाई क्या स्पीड भागती है, नहीं
यार क्यों क्यों मैं इतना तेज लाया अभी यार, फालतू में मैंने डैमेज कर दिया गाड़ी को। खैर अभी जो है ना, इसको जल्दी से यार सेल पे लगा देता हूँ मैं, ताकि इस वाली गाड़ी को हम लोग बेच के अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर सके। भाई मजा आने वाला है। चलो इस वाली गाड़ी को मैं सेल पे थोड़ा अच्छा खासा प्राइस पे लगाऊंगा, जिससे अपना प्रॉफिट भी अच्छा हो और बाकी जो है ना दूसरी वाली गाड़ी को भी लाएंगे हम लोग। चलो अभी जो है ना जल्दी से इसको सेल पे लगाते हैं। मैं अभी जो है ना इसको 98 कर देता हूँ, 98,000 सही रहेगा ना। चलो लगा देते हैं। वैसे इसमें NOS मैंने ऐड कर रखा है, लगा ही दूँ क्या? चलो देख लेते हैं, क्या पता कोई आ जाए यार, वैसे ऐसे कभी मिल जाते हैं बकरे। खैर अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ दूसरी वाली गाड़ी को भी ले आते हैं, जो कि मैंने सर्विस स्टेशन के बगल पे रख रखी है यार, मतलब सामने ही रख रखी है, उसको मैं लाया नहीं हूँ। जल्दी से निकलते हैं गैस स्टेशन में। ओके तो मैं आ चुका हूँ इधर पे, एंड ये रही अपनी गाड़ी। भाई बहुत गंदी हो रखी है, मैंने इसको छू भी नहीं रखा है। चलो जल्दी से निकलते हैं, एंड इसको ना सबसे पहले धो देता हूँ यार मैं। रुको एक सेकंड, इसका मेरे को ना डैमेज चेक करना था। इसमें NOS पहले से ही है, इसका डैमेज चेक कर लेते हैं। 0, बस इसको धोना है, उसके बाद सीधे ऑफिस में ले जाऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। चलो इसको भी यार थोड़ा बहुत हाई प्राइस में बेचूंगा मैं, भाई कोई गाड़ी ना आ जाए यार, टक्कर मार के ना ये लोग जबरदस्ती डैमेज कर देते हैं। चल भाई इसको भी यार धो दे जल्दी से, भाई मेरे को ना बहुत काम है अभी यार, जल्दी जल्दी ये धुल जाए तो। साफ क्यों नहीं हो रही अभी? वो ऐसा कलर था क्या इसका, मेहरून टाइप का है? पता नहीं नाम भी यार, मेरे को कलर भी पता नहीं है कैसे कैसे होता है करके। खैर अभी निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, और इसका कलर देखो यार थोड़ा बहुत, ओ इसका कलर जो था ना मैंने डार्क रेड रखा था, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है यार। भाई नाइट्रो से तो ना ये बहुत तेज भाग रही है यार। चलो अभी जो ना इस वाली गाड़ी को जो है मैं इधर पे लगा देता हूँ। ये देखो भाई काफ़ी प्यारी लग रही है अपनी गाड़ी, एंड इधर पे ऐसे लगा देते हैं। अब यार एक आध कस्टमर का इंतजार है, बट अभी यार एक भी कस्टमर नहीं आया यार, पता नहीं क्यों। और ये देख रहे हो, ये ऐसा ढीठ आदमी है ना, ये साफ ही नहीं करता है भाई, पता नहीं क्या आदत है इसकी। चलो इसको यार अभी जल्दी से मैं ही फेंक देता हूँ। बाय द वे यहाँ पे एक कस्टमर भी आ चुका है, अभी जल्दी से इसको साफ करते हैं, उसके बाद इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। चलो भाई अभी यार इससे बात कर लेते हैं जल्दी से। चल भाई तू बता, थोड़ा महंगा महंगा भाई, ऐसे सस्ते नहीं चलेंगे यार मेरे को। ठीक है, बंदा तो सही लग रहा है यार, अफ्रीका लग रहा है एकदम, अफ्रीका वाला। ओके 77,000 डॉलर में, वैसे अच्छी डील है, मतलब मेरा फायदा तो हो रहा है, क्योंकि मैंने ना ये वाली जो गाड़ी है वो मैंने 39,000 डॉलर में खरीदी थी। इसको मैं बार्गेन करके कम से कम 82 तो कर ही सकता हूँ ना, आई थिंक 82 में आ जाएगा ये, देख लेते हैं एक बार। भाई यार 82 82 भाई, चल 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 चल। ओह भाई यार 82 में बिक गई। चलो ये वाली गाड़ी को ना अभी मैं सेल लगा देता हूँ, जिससे कि अपना जो अच्छा खासा ना प्रॉफिट हो जाएगा, बट यार हमारे पास पैसा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। चलो लगाना तो पड़ेगा यार, वैसे मेरे पास कार है पता नहीं कितनी है, मेरे को खुद पता नहीं है भाई। चलो अभी जो ना हम लोग इस वाली गाड़ी को भी जल्दी से सेल पे लगा देते हैं। 30,000 की ली थी यार मैंने ये वाली गाड़ी, तो इसको मैं कम से कम लगा देता हूँ यार 75 कर देते हैं। चलो नाइट्रो भी है यार इसमें, भाई थोड़ा बहुत महंगा तो चलेगा ना। चलो देख लेते हैं, अगर कोई कस्टमर आता है ना तो मजा आ जाएगा। ओ बाय द वे गाइस, आज जो है ना कार मार्केट भी ओपन है, तो सबसे पहले ना मैं कार मार्केट चल के आता हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे, क्या पता कोई कस्टमर आ जाए तब तक। जल्दी से कार मार्केट देख के आ जाते हैं, अगर कोई नई गाड़ी आई होगी ना तो उसको भी ले लेंगे। वैसे ले तो लेंगे यार, लेकिन लेंगे कैसे भाई, चलते तो हैं, कोई नई गाड़ी आई होगी तो लेंगे। ओके गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ कार मार्केट में, एंड यहाँ पे देखो यार कार है तो है, बट मेरे को कोई भी पसंद नहीं आ रही है भाई कार इसमें से। यार कोई नई नई कार है लाओ बे। ए मस्टैंग है क्या ये? पता नहीं यार, एक बार एक सेकंड रुको, लॉर्ड एक्सप्लोरर। भाई एक भी मस्टैंग नहीं आ रही है उस दिन से, ये कौन सी है बे? चलो ये भी बात कर लेते हैं। भाई ये मस्टैंग है, ये मस्टैंग है, 100% मस्टैंग है ये। रुको एक बार, ऑडी RS6। भाई ये नई गाड़ी आ गई क्या? पहले नहीं थी ये शायद से। एक सेकंड इसका रेट पूछ लेते एक बार कितना है। 1,154 डॉलर लिटरली। भाई ऑडी RS6 है और इसका रेट देखो एक बार भाई साहब। देखो यार यहाँ पे भी एक आध नई गाड़ियाँ लग रही है मेरे को, ये नई गाड़ी है क्या? एक बार बात कर लेते हैं। रुको रुको अभी जो है ना कस्टमर जो है अपने ऑफिस में आ चुका है, तो सबसे पहले ना मैं अपने ऑफिस में चलता हूँ, एंड उसके बाद सीधे हम लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे यार एक ऑडी आई है जो कि नई गाड़ी है, पता नहीं यार नई है पुरानी है मेरे को खुद पता नहीं है। अभी निकलते हैं जल्दी से ऑफिस में। ओके गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऑफिस की तरफ, एंड यहाँ पे ना एक ही कस्टमर आया है यार। भाई दो तीन, ओ दो तीन है यार, दो तीन है।
भाई मैं सोचा एक ही आया है, बट देख रहे हो इसका पेंट देखो यार एक बार भाई, पाकिस्तान का एकदम वो नहीं लग रहा है ये? क्या बताओ यार, मैं अब छोड़ो साला इसकी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। चलो दूसरे से बात कर लेते हैं भाई, ये कितना बोल रहा है? अच्छा प्राइस लगा भाई, अच्छा प्राइस, मैं ऐसे नहीं देने वाला हूँ गाड़ी। 45? रुको यार दूसरे से बात कर लेते, क्या पता ये कुछ अच्छा प्राइस दे दे मेरे को। वैसे यार अच्छा प्राइस दे देता ना अगर तो मज़ा आ जाता भाई यार, कम से कम ना 50 तो, ऐसी की तहसी साला। रुक इसको 50 में बेचूंगा मैं 40, चाहे कुछ हो जाए 50 में बेच के रहूंगा मैं इसको भाई। 45 बोल रहा था ये वैसे, चलो इसको एक बार 50 करके देख ही लेते हैं। चलो अगर बिक जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यार 49 करके देखूंगा मैं भाई। ले जा ले जा इसकी ऐसी की तहसी, रुक जा। 49,000 अब तो ले जा भाई। यार मैंने 2,000 कम कर दिए भाई, 2,000 कहाँ से यार, मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया भाई, ये बाई ही नहीं कर रहा है। चलो 48 ये लास्ट प्राइस है, अगर इसमें नहीं ले गया तो यार भगा दूंगा मैं इसको पक्का भाई, निकल लेना इसके बाद। ओह फाइनली हमारी गाड़ी बिक चुकी है ना, अभी हमारे पास हो चुकी है $2,27,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा है यार। अभी हम लोग अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके लिए हमको 2 लाख की ज़रूरत थी भाई। जल्दी से ना मैं अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर लेता हूँ अभी। कंप्यूटर स्क्रीन ये रही एंड अपग्रेड्स, और यहाँ से ऑफिस बाकी 2,000 में कर लो, कर लो या नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। छोटा वाला मेरे पास पैसे तो बहुत कम है, बट क्या करूँ यार। वैसे एक सुपरा है हमारे पास, तो उसको हम लोग बेच के ना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें ना मैंने बहुत पैसा खर्च कर रखा है। तो चलो यार अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर ही लेते हैं यार। ओह फाइनली यार मैंने अपने ऑफिस को एक्सपेंड कर दिया है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा मेरे को, मतलब $2,00,000 लगे हैं लिटरली यार ये देखो। बट एरिया जो है ना काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, मतलब प्यारा भी लग रहा है। चलो अभी जो है ना अपनी सुपरा को यहाँ पे ले आते हैं धोने के बाद भाई, अभी जो है ना मैं अपनी सुपरा को भी यहाँ पे ले आता हूँ। चलो जल्दी से निकलते हैं भाई, वैसे ना मेरे को यार मस्टैंग खरीद लेनी चाहिए, तो एक बार चल के आते हैं। सबसे पहले ना मैं कार मार्केट चलता हूँ, एंड वहाँ पे ना मेरी यार गाड़ी थी, वाली गाड़ी यहाँ पे थी, बट अभी यार टाइम बचेगा या नहीं मेरे पास पता नहीं यार। कस्टमर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो यार क्या करूँगा मैं। चलो जल्दी से निकलते हैं इधर से, तो इस वाली गाड़ी को ना जल्दी से मैं चला के ले जाता हूँ अपने ऑफिस की तरफ, बट इसको धोना भी पड़ेगा भाई मेरे को। चलो निकलते हैं यार अभी, क्या ही कर सकते हैं। वैसे यार 6 बज चुका है, मतलब 7 बजने वाला है, एंड शायद से ना हमको यार मार्केट में टाइम नहीं मिलेगा, मार्केट बंद हो जाएगी तब तक हमारे ऑफिस पहुंचने तक मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है मेरे को, पता नहीं यार जो भी है। खैर अभी जो है ना देख रहे हो, अबे यार जल्दी नहीं चलते हैं भाई ये लोग, इसकी ऐसी की तैसी। ये देखो भाई अपना नाइट्रो चला के ना भाई, क्या मज़ेदार चलती है यार ये गाड़ी, इसको धो के लाता हूँ मैं एक बार। सेट सेट साले यार ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना ये लोग, वैसे गाड़ी तो मैं ही बेकार चला रहा हूँ, बट मेरे को धोनी थी भाई, इतनी डैमेज नहीं करनी थी यार, छी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। अभी अपनी गाड़ी इधर पे रोक दी मैंने, जल्दी से इससे बात कर लेते हैं भाई, इसको जल्दी से धो दे यार, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी मैंने। एक सेकेंड इसको मैं देख भी नहीं सकता क्या, ऐसे पता नहीं यार क्या सिस्टम बना रखा है। खैर अभी निकलते हैं जल्दी से इसको लेके अपने ऑफिस में भाई, मज़ा आने वाला है। वैसे मैंने 2 सुपरा यार बेस डाली है, मतलब 2 सुपरा और एक शायद से टोयोटा ही थी ना, वो भी पता नहीं कौन सी थी, बट मेरे को पता नहीं है। प्रॉफिट अच्छा हुआ था, बट अपन लोगों ने ना अपना ऑफिस को पूरा एक्सपेंड कर दिया है, जिससे कि अपना ऑफिस काफी प्यारा लग रहा है। चलो अभी जो है ना गाड़ी को इधर पे रोक लेते हैं। वैसे गाइज आज का जो वीडियो है ना इधर तक रहने वाला है, अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।